दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज था तीसरा T20 मुकाबला और ये मुकाबला देखने में बहुत मजा आया। दोस्तों अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आज का जो मुकाबला था ये था इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के तीसरा और आखिरी T20 मैच, जहां पर पहला दो T20 मैच जीतकर टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुके थे। तो ये जो मैच था ये मैच टीम इंडिया के लिए उतना महत्व नहीं रखता था, तो इसी के लिए टीम इंडिया ने कुछ तब्दील किया अपने प्लेइंग 11 में, जहां पर बॉलर उमेश यादव को लाया गया और वहां पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को भी खिलाया गया। दोस्तों वह इस मैच का टॉस में इंडिया टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। साउथ अफ्रीका की ओर से उतरे क्विंटन डीकॉक और टेम्बा बवुमा सलामी बल्लेबाज की ओर से और वहां पर दीपक चहर टीम इंडिया से शुरू किया बॉलिंग। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा हुआ, क्विंटन डीकॉक पहले ओवर से मारना शुरू किया। क्विंटन डीकॉक पिछले मैच में बहुत अच्छा रन बनाया था और इस मैच में बहुत अच्छा रन बनाने वाले थे। वहां पर साउथ अफ्रीकन कप्तान टेम्बा बवुमा कंटिन्यूअसली उनका खराब प्रदर्शन के लिए आज भी खराब प्रदर्शन उनका हुआ, सिर्फ 3 रन बनाकर हो गए आउट। 8 बॉल में 3 रन बनाकर टेम्बा बवुमा आउट हो जाते हैं जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 30 रन था। 30 रन पे साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 1 विकेट, 5वां ओवर था। इसके बाद रेली रोशो आते हैं बैटिंग करने। दोस्तों क्विंटन डीकॉक और रेली रोशो मिलके आज बहुत ही अच्छा पारी खेलने वाले थे साउथ अफ्रीका की ओर से। दोस्तों क्विंटन डीकॉक जहां पर छक्का और चौका मार के खेल रहा था, वहां पर रेली रोशो ज्यादा छक्का मार के खेलना पसंद कर रहे थे, ज्यादा चौका नहीं मार रहे थे। दीपक चहर, मोहम्मद शिराज, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल जैसे सभी खिलाड़ी को रेली रोशो और क्विंटन डीकॉक ने कूट कूट के मारा और इसी कारण रन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया साउथ अफ्रीका की और पार्टनरशिप भी बहुत बढ़िया हो गया था। 13वें ओवर में जाकर क्विंटन डीकॉक हो जाते आउट 120 पे होता थे 2 विकेट। क्विंटन डीकॉक ने 43 बॉल पे 68 रन बना लिए थे, 6 चौका और 4 छक्के के मदद से। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, वो भी थोड़ा पिंच हिटिंग करते हैं लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन रेली रोशो 48 गेंदों में सेंचुरी अपना कंप्लीट कर लेते हैं 7 चौके और 8 छक्के की मदद से। ट्रिस्टन स्टब आउट होते हैं लास्ट ओवर में जाकर, 5 बॉल सिर्फ बाकी था। डेविड मिलर आके 5 बॉल में 19 रन बना लेते 3 छक्के की मदद से। 227 रन बनाया साउथ अफ्रीका ने, 228 का टारगेट दिया टीम इंडिया को। दोस्तों बॉलर सभी पीटे लेकिन दीपक चहर और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। यहाँ पर टीम इंडिया उतरे बैटिंग करने। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत आज की बारी ओपनिंग करने वाले थे टीम इंडिया की ओर से और वहां पर कगिजो रबादा बॉलिंग का शुरुआत करने लगे। वहां पर आज टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही खराब रहा। रोहित शर्मा पहले ओवर में 0 रन बनाकर चले गए, 0-1 होता है। इसके बाद श्रेयस अय्यर आता है, श्रेयस अय्यर भी 4 बॉल में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरे ओवर में 4 रन पे 2 विकेट हो जाता है। इसके बाद ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक मिलकर खेल को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत पिंच हिटिंग करने के बाद 5वें ओवर में वे भी आउट हो जाते हैं। दोस्तों 14 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं ऋषभ पंत। इंडिया का स्कोर होता है 5 ओवर में 45 पे 3 विकेट। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं बैटिंग करने। दोस्तों दूसरे दिन सूर्य कुमार का बल्ला बहुत अच्छा चलता है लेकिन आज बल्ला उतना खास नहीं चला एकदम। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर पे दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, बैक टू बैक चौका और छक्के की मदद से। दिनेश कार्तिक 21 गेंदों में 46 रन बना लेते हैं। 7वें ओवर में वे आउट हो जाते हैं, 78 पे 4 विकेट गिर जाता है और इसके ठीक अगले ओवर पे ही सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, 5 विकेट गिर जाते हैं टीम इंडिया की। हर्षल पटेल और अक्षर पटेल खेल रहे थे,
हर्षल पटेल भी 11 ओवर पे आउट हो जाते हैं 12 पे 70 रन बनाकर। उसके बाद अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं, 7वां विकेट गिर जाता है टीम इंडिया की, 8 बॉल में 9 रन बनाकर अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन इसके बाद आउट हो जाते हैं 4 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर। इसके बाद बॉलर और क्या करते, इसी तरह टीम इंडिया को बहुत ही शर्मनाक हार हुआ। लेकिन दोस्तों एक ही अच्छा बात है कि सीरीज इंडिया के पॉकेट में आ गया। दोस्तों T20 सीरीज तो टीम इंडिया ने जीत लिया, इसके बाद होगा ODI सीरीज, वहां पर कौन जीतेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।